वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम बीना है। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है, माँ की लाडली बेटी। तो चलिए देख लेते हैं कि आज मैं ये वीडियो कुछ ख़ास और कुछ अलग लेके आई हूँ और वीडियो से। तो मेरे पास मेरे किसी क्लोजिंग का कॉल आया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बीना, मेरे हस्बैंड ना मेरे से प्यार नहीं करते। तो उसी के ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मेरे व्हाट्सएप के फ्रेंड्स के पास भी ये पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ आपको कि ताकि आपका पति भी आपसे प्यार करे। टिप्स नंबर एक, अगर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं या कुछ भी है, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, बिजी हैं, तो यार आप लोग भी तो थोड़ा समझो उनको, उनकी फीलिंग समझो। वो ये सब काम किस लिए कर रहे हैं? वो सब काम आप लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं, हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। वो सारे दिन लगे रहते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं जॉब से, तो किस लिए? वो हम लोगों के लिए। लेकिन हम उस काम की इज्जत ही नहीं करते, हम सोचते हैं कि वो हमें टाइम ही नहीं दे रहे। तो थोड़ा सा तो मतलब सोचो यार कि वो भी एक इंसान है, वो वहाँ पे जाते हैं काम करते हैं, फिर आके हमारी बक बक सुनते हैं। और कुछ औरतें तो मैंने ऐसी देखी हैं कि जब हस्बैंड साथ में होते हैं तो मतलब हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं उनसे इतनी इज्जत से बात करती हैं कि बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद जब हस्बैंड नहीं होते, जॉब वगैरह पे चले जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को बुरा भला बोलना, गाली गलौज देना, तो ये कहाँ का वो है। कहते हैं ना एक दिन तो हमारे हस्बैंड को भी ये चीज़ें पता चल जाती है कि हम उनके पेरेंट्स के साथ कैसे रह रहे हैं, तो यार वो हमारी इज्जत कहाँ करेंगे। आप भी तो बताइए ना, थोड़ा सा तो सोचिए। अगर आप उनको इज्जत करोगे, उसके पेरेंट्स को, तो वो खुद में खुद आपसे इज्जत करेगा। टिप्स नंबर दो, जब हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में पैसे आ जाते हैं तो एक्चुअली झगड़े बढ़ जाते हैं। कुछ औरतें जॉब करती है बाहर, तो वो अपने हस्बैंड ने अगर जैसे कोई काम बोल दिया उनको कि ये काम कर ले, तो वो औरत पता है क्या बोलती है, क्यों, मैं क्यों करूं, मैं कमाती नहीं हूं, मैं ये नहीं करती हूं, मैं वो नहीं करती। अरे यार तुम कमाते हो तो उसका मतलब ये थोड़े ना कि तुम घर को सर पे उठा लोगे, पेरेंट्स की हस्बैंड की इज्जत नहीं करोगे। इज्जत करना सीखो, कमाते तो हस्बैंड भी है ना, वो तो कभी ये नहीं बोलते कि मैं कमाता हूँ, मैं क्यों काम करूँ, मैं क्यों कमाऊँ। तो आप लोग भी ये सोचिए ना, वो हमारे लिए कर रहे हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं, हम भी तो उनके लिए कर रहे हैं। तो पैसों को कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में मत लेके आइए। तो एक्चुअली मैंने ये ऐसी औरतें देखी हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हो सकता है कि कुछ औरतों को मेरा ये वीडियो बुरा लगे, लेकिन जो कहते हैं ना सच है, वो है ये मेरे पास है। तो इसी टॉपिक पे मैं बोलना चाहती हूँ कि हस्बैंड की इज्जत करो, उनके पेरेंट्स की इज्जत करो, पैसों को कभी अपने रिश्ते के बीच में मत आने दो। तो मेरी ये जो मैंने दो टिप्स बताई हैं आप लोगों को, तो इनको फॉलो ज़रूर करना। और अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो उसके लिए तो क्या बोलूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा कि मैंने कोई गलत नहीं बोला है इस बारे में। बाकी कहते हैं ना कुछ औरतों को हो सकता है ये बुरा लग जाए, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो मेरी टिप्स को फॉलो करना, और कोशिश करूँगी कि आगे भी आप लोगों के साथ ऐसी ही वीडियो मैं शेयर करूं। और हाँ, इसी के साथ वीडियो समाप्त करने का इजाज़त चाहूंगी। बाय बाय। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना यार। बाय बाय फ्रेंड्स।